शास्त्र से। बादशाह हुसैन तीन अस्त्र हुसैन दीपना अस्त्र हुसैन सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त्र हुसैन। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स के दुश्मन ना हो और सब दोस्त हो तो उस जैसा कोई मुनाफिक नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात करता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अगर दुनिया में तुम्हें शिद्दत से गम मिले तो मेरे गमों को याद कर लेना। तुम किसी से डरते क्यों नहीं? ऐसा कौन है तुम्हारे पीछे? मेरे मौला, हर साल ना सही इस साल ही लिख दे, मेरे नसीब में दीदारे करबला। पूछते क्या हो जात मेरी, अली का दीवाना हूँ, अली से प्यार करता हूँ। मौला अली ने फरमाया, हमेशा अच्छे लहजे और मोहब्बत से बात किया करो, क्योंकि इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसके जुबान की वजह से आती है। अल्लाह के शेर को अली कहते हैं और अली के शेर को अब्बास कहते हैं। अली क्या है? अली जाने, अली को ही पता होगा। नमाजों में अली आए तो कहता है कि बातिल है, अली काबे में आया है, बता काबे का क्या? अली को छोड़कर जिसको भी इमाम बनाओगे, अली को छोड़कर जिसको भी इमाम बनाओगे, तुम कसम खुदा की बख्शे ना जाओगे। जन्नत को बाप की जागीर समझते हो तुम, बहिश्त जाना तो दूर, पास से भी गुजर ना पाओगे। अरे अली का दीवाना हूँ ये शौक से बताता हूँ, अरे अली का दीवाना हूँ ये शौक से बताता हूँ, उसके नाम की हर महफल हर मजलस में मैं जाता हूँ, और मेरे अली अली कहने से तू जलता है तो जलता रह। पंच तनपाक के टुकड़ों पे पलता हूँ, किसी के बाप का नहीं खाता हूँ। सलाम या अली। झुकता नहीं ये सर न गुलामी कबूल है, अली के नौकर का यही तो असूल है। ये कौन सी सरजमीन है? मालिक इसे नैनवा कहते हैं, कुछ और भी नाम है इसका। मालिक इसे कर्बोबला कहते हैं।